एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार सतल मदद सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार भाजपा नेतृत्व से नाराज माने जा रहे पार्टी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सोमवार को दावा किया कि अगर उनकी पार्टी बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर उन्हें पेश नहीं करती तो परिणाम अलग हो सकते हैं आंध्र प्रदेश गोवा जम्मू कश्मीर केरल और कर्नाटक में केंद्रीय कैबिनेट ने छः नए आईआईटी स्थापित करने को मंजूरी प्रदान कर दी है भारत और बांग्लादेश के बीच बस्तियों की अदला बदली से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने 1,006 करोड़ रुपये के एक पैकेज को मंजूरी प्रदान कर दी है पचहत्तर साल के पाकिस्तानी गज़ल गायक गुलाम अली अगले साल जनवरी में केरल में दो बार प्रस्तुति देंगे भारत में मुंबई और दिल्ली में गुलाम अली के दो कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए रामनारायण रेड्डी ने अपने भाई और पूर्व विधायक ए विवेकानंद रेड्डी के साथ बुधवार को सत्तारूढ़ तेलुगुदेशम पार्टी में शामिल हो गए जिससे सूबे में पहले से मुश्किलों से घिरी कांग्रेस को एक और झटका लगा है चेन्नई में हो रही मूसलाधार बारिश ने लगभग 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसके कारण रक्षा बलों को राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तैनात करना पड़ा है लबालब भरी झीलों और बांधों में दरारों के कारण लोगों को अपने इलाके छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है पश्चिमी ताम्ब्रम की झीलों के कारण इलाकों में बाढ़ आ गई है और जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर गया है वहीं बारिश से अब तक 270 लोगों के मारे जाने की खबर है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विभाजनकारी विचारों को दिमाग से हटाने पर जोर देते हुए मंगलवार को कहा कि भारत की असल गंदगी गलियों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग और उनके एवं हमारे बीच समाज को विभाजित करने वाले विचारों को दूर करने की अनिच्छा में है गृह मंत्रालय ने अनुसार देश की राजधानी दिल्ली कई आतंकी समूहों के निशाने पर है प्राप्त जानकारी के मुताबिक आईएसआई समेत कई आतंकी समूह दिल्ली पर हवाई हमले करने की फिराक में है दिल्ली पुलिस ने नकदी ले जाने वाली वैन से 22.5 करोड़ रुपए लूटकर फरार हुए चालक को 12 घंटे के भीतर शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है लोकसभा ने भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक 2015 को ध्वनि से पारित कर दिया जिसमें वस्तु प्रसंस्करण पद्धति और सेवाओं के मानीकरण एक रूपता निर्धारण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं विकास जैसे कार्यों के लिए एक राष्ट्रीय मानक निकाय स्थापित करने की बात की गई है तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने गुरुवार को चेन्नई और उसके उपनगरीय इलाकों में बाढ़ के कारण प्रभावित हुए क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया तिरसठ वर्षीय न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर ने गुरुवार को भारत के तिरतालीसवें प्रधान न्यायाधीश के रूप में ईश्वर के नाम पर शपथ ग्रहण की इराक और सीरिया में तबाही मचाने के बाद आतंकी संगठन ने अब भारत में जंग की धमकी दे दी है आईएसआईएस ने अपनी किताब फ्यूचर इस्लामिक स्टेट बैटल्स में इसका ऐलान किया है साथ ही पहली दफा आतंकी संगठन ने पीएम मोदी का नाम लिया है वह भारत पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान समेत कई देशों में दखल देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार मुलाकात कर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का मानना है कि मोदी एक ईमानदार और बेबाक नेता हैं जिनकी भारत के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टि है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनके देश के एक जंगी विमान को तुर्की द्वारा मार गिराए जाने को कभी नहीं भुलाने का गुरुवार को निश्चय किया और कहा हम आतंकवादियों की इस संलिप्तता को नहीं भूलेंगे हमने इस छल को सबसे घटिया हरकत समझा और हमेशा समझेंगे हमारे पायलटों की पीठ पर तुर्की में जिन्होंने छुरा भोंका है वे जान लें पाकिस्तान की ब्रिटेन के, के बेती कोहनूर हीरे को वापस पाकिस्तान लाने की मांग सरकार से करते हुए याचिका दायर की गई है वकील जावेद इकबाल जाफरी ने लाहौर उच्च न्यायालय में दायर की गई अपनी याचिका में आरोप लगाया कि ब्रिटेन ने महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह से हीरा छीन लिया था इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमलों की मंजूरी के लिए ब्रितानी संसद में मतदान के कुछ ही घंटों बाद ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने गुरुवार तड़के सीरिया पर हवाई हमले शुरू कर दिए अमेरिका और चीन के वरिष्ठ अधिकारियों ने खुंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट को दोनों देशों के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इसे निपटने की दिशा में तालमेल को मजबूती देने के कदमों पर चर्चा की यह जानकारी व्हाइट हाउस की ओर से जारी की गई है कैलिफोर्निया में शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों के एक केंद्र पर घातक गोलीबारी को अंजाम देने वाले एक पुरुष और एक महिला समेत दो संदिग्ध पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए जबकि तीसरे संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया यह जानकारी पुलिस ने दी है इस गोलीबारी में कम से कम चौदह लोग मारे गए और सत्रह अन्य घायल हो गए कैमरून के सैनिकों ने पिछले हफ्ते नाइजीरिया के करीब सौ बोको हराम इस्लामी लड़ाकों को मार गिराया और करीब नौ सौ बंधकों को छुड़ाया पाकिस्तान ने पेशावर में एक सैनिक स्कूल पर किए गए हमलों में शामिल चार तालिबान आतंकवादियों को फांसी पर लटका दिया प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनकी अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि इन पर रहम नहीं किया जा सकता हमले में 150 से अधिक लोग मारे गए थे जिनमें अधिकतर बच्चे थे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि कठिन समय व बीमारी की हालत में पत्नी की सेवा करना पति का फर्ज है बीमार पत्नी की मदद का वादा तलाक की मंजूरी का वैध आधार नहीं हो सकता तमिलनाडु और चेन्नई में भारी बारिश की वजह से जहां 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया वहीं 137 साल बाद ऐसा हुआ है कि यहां का एक मशहूर अखबार द हिंदू नहीं छप पाया लंदन में आतंकी हमलों की आशंका से लंदन ब्रिज के आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया है मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बीबीसी दफ्तर को भी खाली कराए जाने के बाद बात सामने आई है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक निजी समाचार चैनल के कार्यालय पर एक मोटरसाइकिल सवार ने ग्रेनेड से विस्फोट कर दिया जिसमें दो पुलिसकर्मी सहित तीन लोग घायल हो गए एच के पूर्व कर्मचारी और खातों के बारे में जानकारी लीक करने वाले वेसल ब्लोअर हर फलसानी को शुक्रवार को स्विट्जरलैंड की एक संदीय अदालत ने पांच साल जेल की सजा सुनाई फलसियानी स्विस लीग्स भारत की काले धन की जांच में बहुत महत्वपूर्ण रही है इस्लामिक स्टेट ने बांग्लादेश की एक शिया मस्जिद में गुरुवार को हुए हमले की जिम्मेदारी ली है इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है साउथ स्विट्जरलैंड के टिचिनो इलाके में महिलाओं के बुरका और नकाब पहनने पर बैन लगा दिया गया है इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर बुरका पहनकर दिखाई देने, देने पर महिलाओं पर तकरीबन साढ़े छः लाख रुपए का जुर्माना किया जा सकता है सुपरस्टार शाहरुख खान की दिलवाले और संजय लीला बंसाली की बाजीराव मस्तानी अगले महीने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली हैं हालांकि अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का मानना है कि दोनों फिल्में एक दूसरे को टक्कर नहीं देंगी क्योंकि विषय वस्तु के मामले में दोनों अलग मिजाज की फिल्में हैं निर्देशक बालू महेंद्र के निर्देशक में उन्नीस में बनी कमल हसन श्रीदेवी अभिनीत फिल्म सदमा का पुनर्निर्माण लॉयड बप्तिस्ता करेंगे सदमा तमिल फ़िल्म मनुड्रोम पिरई का रीमेक है इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय सुनना ना भूलिए एशियन समाचार तब तक के लिए अमरजीत को आगे दीजिए नमस्कार सत या अली मदद